हेलो बच्चों, मैं सरोज सैनी फ्रॉम जीएसएस एलसीसर जेम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज आपके लिए जो पोएम लेके आई हूँ उसका नाम है द होप। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है जिसके पोइट है राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंगाड़ा स्थान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम हमारे लिए लिखी है। तो इसमें ये बताते हैं कि इस पूरा संसार है वो आशा के सहारे ही जीवित है। इस संसार में छोटे से छोटा जीव है वो मनुष्य प्राणी है, सभी क्या है, आशा से ही, उम्मीद से ही जीते हैं और उनके जीवन में कोई कठिनाई आती है, परेशानी आती है तो उनको ये उम्मीद रहती है कि मैं इस कठिनाई से पार निकल जाऊंगा। तो ये पूरा संसार क्या है, आशा पे ही आधारित है। हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उस पे ही ये संसार चलता है। सो लेट्स रीड द पोएम। Hope is given different names. Some call it expectation, others term it future relevance. Some other thinks it a measure of benefaction. तो पोइट ने क्या कहा है, होप मतलब जो आशा है उसको क्या नाम, उसको क्या है, डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, विभिन्न नाम दिए गए हैं। Some call it expectation. तो पॉइंट कहता है कि इस आशा को क्या सभी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, सभी ने क्या डिफरेंट नेम्स अपनी तरफ से दिए हैं। तो कुछ तो इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं। एक्सपेक्टेशन करना मतलब किसी से उम्मीद या अपेक्षा करना। तो कुछ लोग तो क्या कहते हैं, आशा क्या है, एक अपेक्षा है जो दूसरों से हम रखते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, जो अन्य इसको टर्म करते हैं मतलब नाम देते हैं या कहते हैं, वो क्या बताते हैं कि ये फ्यूचर रिलेवेंस है, मतलब भविष्य से प्रासंगिक, भविष्य से जुड़ी हुई है। तो अन्य इसको क्या नाम देते हैं, भावी प्रासंगिकता। रिलेवेंस क्या होता है, प्रासंगिकता। तो कुछ लोग तो इसको क्या कहते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है, उम्मीद है। अन्य इसको क्या नाम देते हैं कि ये फ्यूचर रिलेवेंस है, भावी प्रासंगिकता है। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, और कुछ अन्य लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि एक तरीका है, मेजर मतलब तरीका, किसका, बेनिफिक्शन का मतलब उपकार का। तो कई लोग इसको क्या है, उपकार का, बेनिफिक्शन का एक तरीका मानते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, लेकिन पॉइंट के लिए होप क्या है, पॉइंट के लिए होप है क्रिएशन ऑफ सोल मतलब आत्मा का सृजन। क्रिएशन क्या होता है, सृजन। तो ये स्वयं कवि के लिए क्या है होप, ये उसके लिए एक आत्मा का सृजन है। दैट मेक्स अस फील प्लेजर सम, और ये उम्मीद और आशा जो हमारे अंदर होती है वही हमको क्या महसूस कराती है, आनंदमय सुखद जीवन महसूस कराती है। प्लेजर सम मतलब आनंदमय सुखद, तो प्लेजर सम मतलब आनंद या सुखमय जीवन हमें फील करवाती है, महसूस करवाती है। एंड लीड विद एंथुसिएज्म एंड ग्लो, और पॉइंट क्या कहते हैं, अगर हमारे अंदर आशा है तो हम क्या है, कोई प्रॉब्लम आ भी गई, समस्या आ गई भी गई, ट्रबल हुई तो भी हम क्या है, एंथुसिएज्म और ग्लो मतलब एंथुसिएज्म मतलब उत्साह है और ग्लो मीन्स चमक। तो हम क्या है, उत्साह और चमक से क्या है, लीप होते हैं मतलब उछल पड़ते हैं। लीप मतलब उछलना या कूदना। तो अगर एक व्यक्ति के अंदर आशा है तो वो क्या है, उत्साह और चमक से कूद पड़ेगा। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड और होप, तो कभी बताते हैं कि भूतकाल में भी हम क्या थे, इसी आशा के सहारे ही सरवाइव कर रहे थे। सरवाइव करना मतलब जीवित थे। तो हम भूतकाल में भी क्या रहे, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं पूर्वज, वो भी क्या है, इसी उम्मीद के सहारे ही जीवित थे। तो इन पास्ट वी हैव सरवाइव्ड ऑन होप, तो भूतकाल में भी हम क्या इसी आशा के सहारे जीवित रहे हैं। वी सरमाइज, सरमाइज करना मतलब अंदाजा लगाना, वी सरमाइज मतलब अंदाजा लगाना। तो पॉइंट क्या कहता है कि हम जो हमारा
भविष्य होगा, कैसा होगा कि हम बड़े होके ये बनेंगे उस हिसाब से, तो वी सरमाइज फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। तो हम भविष्य का अंदाजा भी इसी आशा की वजह से ही लगा पाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट। तो आशा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है आशा का, तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हमारे अंदर इनसाइड मतलब अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, मतलब हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक विचार हैं, उनको वो निकाल देती, मार देती है, किल्स कर देती है। किल्स मतलब मारती है, और नेगेटिविटी मतलब नकारात्मकता, नकारात्मकता। तो कवि क्या कहता, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ये होप क्या है, किल्स कर देती है, मार देती है। एंड फिल्स अस विद विद काम एंड क्वाइट, और एकदम हमको शांति और एकदम चुप शांत चुप्पी से भर देती है। तो काम मतलब एकदम शांत और चुप्पी से भर देती है, तो एकदम हमारा दिमाग क्या एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। तो ये होप का सबसे बड़ा रोल क्या है, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको एक खत्म कर देती है, और फिर हमारे अंदर एकदम शांत काम एंड क्वाइट हमें कर देती है, काम और क्वाइट एनवायरनमेंट हमको प्रदान करती है, हम एकदम शांत महसूस करते हैं। तो ये आशा का हमारे जीवन में रोल है। तो बच्चों आगे क्वोट करते हैं कि इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद ए होप दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। तो आगे पॉइंट बताते हैं कि ये आशा ही होती है जो एक कली को बनाती है ताकि वो क्या है स्टे कर सके, ब्रांच पे ठहर सके और खिल सके। तो बड मीन्स क्या होता है, एक कली। तो एक आशा ही होती है जो कली को ये उम्मीद बनाती है कि वो उस ब्रांच पे शाखा पर क्या है बनी रहे और ब्लूम करे, ब्लूम मतलब खिलना। तो आशा की वजह से क्या है, एक कली है वो एक शाखा पर ठहरती है, स्टे करती है और साथ में क्या है खिलती है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद ए होप, लीव्स मतलब पत्तियां। तो पेड़ भी क्या है अपनी पत्तियों को खो देते हैं, तो वो क्या किससे खो देते हैं, एक आशा के साथ खो देते हैं, दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। तो वो पेड़ में अपनी पत्तियां इस आशा के साथ गिरा देते हैं कि एक दिन वो क्या है फिर से लेडन हो जाएंगे। लेडन मतलब भर जाना या लद जाना। तो पेड़ पौधों पर बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं बसंत ऋतु में, तो वो क्या पूरे भर जाते हैं। तो लेडन मतलब लद जाना या भर जाना, भर जाना। विद ग्रीन ह्यूज मतलब हरे रंग से, ह्यूज मतलब रंग। तो पेड़ भी अपनी पत्तियां इसी वजह से लॉस करते हैं, इसी उम्मीद में लॉस करते हैं कि वो एक दिन फिर से क्या है हरे रंग से फिर से भर जाएंगे, लग जाएंगे वो पेड़ की शाखाएं, उन पे हरी पत्तियां आ जाएगी। लाइफ इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फियर्स एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। तो कवि क्या कहता है, होप इनलाइटन्स, इनलाइटन्स करना मतलब आलोकित करना, आलोकित करना। तो आशा क्या करती है, अपने जीवन के जो ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदासीपूर्ण, जो उदासीपूर्ण रास्ते हैं, थ्रोफियर्स मतलब जीवन के मार्ग रास्ते, तो थ्रोफियर्स क्या होता है रास्ते या मार्ग। तो पॉइंट क्या कहता है कि आशा ही अपने जीवन के जो उदासीपूर्ण रास्ते हैं उनको आलोकित करती है एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमको कैसे महसूस कराती है, फील करवाती है ताजगी से भरा हुआ और गर्माहट,
वाग मतलब गर्माहट। तो आशा ही हमें क्या करती है, हमारे जीवन के जो उदासीपूर्ण अंधेरे रास्ते हैं उनको प्रकाशित करती है, आलोकित करती है एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्म ऑफ द डेज अहेड, मतलब आगे आने वाले। और जो अपने जीवन के आगे आने वाले दिन है उन दिनों के लिए ताजगी और गर्माहट हमारे अंदर महसूस कराती है। होप्स मेक्स द लाइफ गो ऑन, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। तो आगे पॉइंट क्या कहते हैं कि आशा और क्या क्या कार्य करते हैं जीवन में, होप मेक्स अस लाइफ मेक्स लाइफ गो ऑन, गो ऑन मतलब जारी रखना, चलते रहना। तो जीवन ही अपने जीवन को होप, जो आशा ही है वो अपने जीवन को जारी रखती है, आगे के लिए चलाती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब से निकलना, उत्पन्न होना, डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न होना, होना या निकलना। तो अपना जीवन किससे निकलता है, व्युत्पन्न होता है एक फंक्शन से, उस कार्य से जिसको क्या कहते हैं होप। तो अपना जीवन किससे डेरिवेटिव होता है, उस फंक्शन से होता है जिसको हम क्या कहते हैं आशा कहते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, प्राइम मतलब मुख्य। तो जीवन में आशा ही क्या है, मुख्य उत्कृष्टता है, एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता, श्रेष्ठता। तो अपने जीवन में श्रेष्ठता है तो इसका मतलब हमारे हम बहुत ज्यादा आशा से भरे हुए हैं, हम बहुत ही ज्यादा आशावादी हैं। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, बोर्न मतलब जन्म लेना। तो आगे पॉइंट क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति जब से जन्म लेता है तभी से क्या है, जीवन की उत्कृष्ट श्रेष्ठता है, जो मुख्य श्रेष्ठता वो क्या है, आशा ही रहती है। हम जन्म लेते ही हमें उम्मीद रहते हैं, हमसे पूरी दुनिया उम्मीद करती है कि हम जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कार्य करेंगे, वो करेंगे। तो ये जीवन में क्या है, सब कुछ क्या है, आशा पर ही आधारित है। तो कवि का कहने का मतलब है कि जिस इस संसार में जितने भी कार्य चलते हैं, जो भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं, वो सब क्या है, एक उम्मीद पर, एक आशा के सहारे ही होते हैं और आशा ने ही अपने जीवन को बनाए रखा है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।